हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आशीष कुमार, और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जुबिन डॉट कॉम का कंप्लीट रिव्यू, यानी आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या बेस्ट चीज़ें हैं जो जुबिन डॉट कॉम पर आपको देखने को मिलती है। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जुबिन डॉट कॉम पर एक ऑर्डर प्लेस किया था, और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। फोटो फ्रेम था बेसिकली, वो फोटो के साथ आता है, वो आपने हमारे चैनल पे देखा था। तो उसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं हम चैनल पर लाइफ स्टाइल से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो लाइफ स्टाइल में बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले आपको जुबिन के लिए जूम इन डॉट कॉम को क्रोम ब्राउजर पे खोल लेना है, या एप्लीकेशन भी आता है, दोनों चीज़ आता है, वहाँ से आप इसको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली टैग करेंगे आप, ये जुबिन डॉट कॉम आपको खुल जाएगा, बहुत ही आसान है। क्रोम ब्राउजर पे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने पहली बार लॉगिन किया है या पहली बार साइन इन किया है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, अलग अलग ओकेज़न के हिसाब से। फादर्स डे आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो अलग अलग चीज़ें आपको जिस तरीके का चाहे बुकलेट आप बनवा सकते हैं फ़ोटो का, या कैलेंडर बनवा सकते हैं, या बड़ा बड़े से बड़े साइज़ का फ़ोटो फ्रेम एक तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको चेकआउट करके एक फ़ोटो फ्रेम जो लार्ज साइज़ का है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आखिरी में, वो आप जरूर चेक कर पाएंगे कुछ इस तरीके का। तो डिटेलिंग यहाँ पर बहुत सारी है आपके कॉस्ट के हिसाब से, आपके जो बेस्ट बाई है, यानी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कौन सा फ्रेम लेना चाहते हैं, या आपकी वो जो बजट में है या नहीं है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ़ोटो को आप किस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं, वर्टिकली रखना चाहते हैं, कितने एंगल पर रखना चाहते हैं, कितना बाई कितना का, यानी 4x4 का या 4x8 का, जैसा अलग अलग एंगल्स हैं, तो उस हिसाब से आप अलग बाई अलग करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजिली 5 से 7 दिनों में आपके घर पहुँच जाता है ये। और जैसा आपने सेलेक्ट किया था, और जिस डिज़ाइन में, जिस स्टाइल में, और जितना कट किया था फ़ोटो, उतना ही एज इट इज़ आपको ये डिलीवर करते हैं। और मैंने ऑर्डर किया था, सेम टू सेम ऑर्डर मुझे मिला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने सॉर्ट आउट करने का एक प्रॉमिस किया है। और देखिए, वो सॉर्ट आउट होगा तो डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालूंगा कि हाँ, मेरा वो जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट होगा। बेसिकली फ्रेम को लेकर रिगार्डिंग था वो प्रॉब्लम, खैर वो और बात है। और आज हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जुबिन से ऑर्डर करते हैं, और बात है कि मुझे बस एक चीज़ है कि इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप जब ऑर्डर करते हैं टैक्सेस बहुत ज़्यादा है इसमें, और क्या कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ। जैसे मैं आपको एक फ्रेम सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 3 फ्रेम अलग अलग है, तो मुझे एक ब्लैक कलर का ज़्यादा पसंद आता है। जैसे ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये ब्लैक कलर का है, या कंप्लीट ब्लैक भी हम ले सकते हैं, तो कंप्लीट ब्लैक लेके, और यहाँ पे मैंने लार्ज साइज 16x20 वाला इंचेस का जो साइज़ है वो मैंने सेलेक्ट किया, और ये 2199 रुपया। तो ये आपको फ्रेम विद फ़ोटो का साइज़ है। और जब आपको हैरानी कब होगी, जब आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी जाती है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कौन सा फ्रेम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का फ़ोटो उसमें अंदर प्लेस करवाना है, सिंगल फ़ोटो चाहिए, डबल फ़ोटो चाहिए, डबल फ़ोटो विथ कोट चाहिए, यानी कोटेशन अच्छा सा रहेगा वो ऐसा चाहिए, 4 फ़ोटो रख सकते हैं, 5 फ़ोटो रख सकते हैं, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत हैं। तो आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे आप व्हाट्सएप पे या आप क्या कहते हैं फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हैं 6-6 7-7, तो वैसे डिज़ाइन में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो कलेक्शन है वो आप अपने 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 हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, यानी फ़ोटो फ्रेम का जो साइज़ है, एक बार सेलेक्ट करने के बाद अपने फ़ोटो को अपने तरीके से विथ कोटेशन भी आप यहाँ पर डलवा सकते हैं। तो चूज़ करना ऑन डेफिनेटली ऑन यू है, ठीक है। तो फुल साइज़ कुछ इस तरीके का रहेगा, स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आपको एक फ़ोटो सिंपली अपलोड करना होता है। अपलोड करते ही वो साइज़ भी चेक करते हैं और बताते हैं कि ये फ़ोटो का जो साइज़ है, KB में जो बोलते हैं लेंथ, वो टोटल कैसा रहेगा, लो कैटेगरी का है, लार्ज कैटेगरी का। मैं एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ अपने ग्रेजुएशन डे का, तो वो किस तरीका है। यहाँ पे मैं एक येलो कलर का ये वाला है ये फ़ोटो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कई बार होता है कि कभी कभी नहीं हो पाता है, तो आप फिर से एक बार ट्राई करेंगे तो वो भी आप करके देखो। तो यहाँ पे जो शायद नहीं हुआ है, फिर से मैं करके देखता हूँ। फिर से ऐड फ़ोटो पे जाना है, माय डिवाइस में जाना है, आप गूगल फ़ोटोज़ पे भी जाके कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं फिर से जा रहा हूँ बैक करके, यहाँ पे ईमेल सेक्शन में मेरा फ़ोटो था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर। हाँ, ये है, ये मैंने उठाया, और यहाँ बता रहे कि जो आपने जो क्लिप जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी हम इसे अपलोड करना चाहते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी का भले, लेकिन मैं फिर भी इसे अपलोड करके इसी को प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मैंने सिंपली सेलेक्ट किया, और फ्रेम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है ब्लैक कलर का, और ये कुछ इस तरीके का, देखिए, ठीक है, ये 16x20 वाला है रेशियो का, ठीक है।
और कुछ इस तरीके का। मेरा बस तो मेरा थोड़ा डिसपॉइंट था कि ये सबसे लार्ज साइज है, लेकिन अभी भी मेरा जो शूज़ है वो दिख नहीं पा रहा है। मैं यहाँ लार्ज आपको दिखाता हूँ कैसे क्या कट रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूँगा तब आपको थोड़ा पता चलेगा। थोड़ा जूम इन जूम आउट जरूर कर सकते हैं। चाहे आप शूज़ दिखा रहे हैं तो आपके हल्की सी जो टोपी है वो कट जा रही है, टोपी दिखा रहे तो शूज़ कट जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे डिसपॉइंटिंग लगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे हैं, ये देखिए। तो खैर कोई नहीं, शूज़ थोड़े कट जाएंगे लेकिन मैंने ऐसे ही रखा है, चलिए ठीक है। और हम अब आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। फ्रेम सेलेक्ट हो चुका है, मतलब जैसा आपने आपने अगर टोपी हल्का या शूज़ कटा है तो वैसा ही एडिट आपको वो चीज़ मिलने वाला है। तो अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम कंटिन्यू पे करेंगे। आप रिव्यू करना चाहते हैं रिव्यू अगेन करके आप फिर से फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। बहुत सारे एडिटेबल ऑप्शंस हैं जो आपको जूम इन पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग 3199 जब मैं आपको पेमेंट सेक्शन में ले जाऊँगा तब आप देखिएगा कितना इजाफा हो जाता है, जो MRP जो प्राइजेज है उस पर कितना इजाफा हो जाएगा। तो वो देखिए कंटिन्यू चेकआउट करेंगे हम, ठीक है। 3200 दिख रहा है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें रैप करवा सकते हैं, आप मैसेज कार्ड डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ ऑप्शन है। अगर वो आप किसी डियर वंस को भेज रहे हैं तो डेफिनेटली वो है। 377982 है, यानी 3780 रुपये मान लीजिए ऐसा कुछ है। और देखिए टैक्सेस देखिए कितना है, 576 खाली टैक्सेस है। तो ये टैक्सेस का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। एक तो ऐसी ही प्राइसिंग है, आपको 3200 रुपया लग रहा है एक फ्रेम के लिए 16x20 का। तो मुझे नहीं पता बाहर के मार्केट में क्या रेट है। अगर कूपन है वो अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे जब आप साइन इन करेंगे, या बीच बीच में कंपनी मेल के थ्रू भी आपको अवेयर करती रहती है, या अलग अलग साइट्स हैं जो बहुत सारे कूपन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी आपको जूम का आराम से कूपन मिल जाएगा। अगर मेरे पास को डेफिनेटली मैं लिंक में डाल दूँगा, आप ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा अगर आपको इसमें से कोई चीज़ प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो। और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप को आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करता और क्वालिटी मैटर करती है, तो डेफिनेटली आपको जूम इन पर ख़रीदना चाहिए। और प्राइस अगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो जो पैकेजिंग के साथ आती है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लग सकता है, मुझे भी लग रहा था एक्सपेंसिव जब मैंने पहला ऑर्डर किया था। ऑलमोस्ट ज़्यादा ऑफर कूपन कट करके आया मुझे, आई थिंक 200 रुपये ऑलमोस्ट पड़े थे, तो 400 का चीज़ 200 रुपये में पड़ा था, लेकिन एक्सपेंसिव तो है वो भी 4x4 का, बहुत छोटा सा था, मुझे नहीं पता था 4x4 इतने होते हैं, तो कुछ इस तरीके था। तो आज का ये जो रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए और ढेर सारे वीडियोस हैं आपके लिए और एक्सप्लोर कीजिए। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे जो सब्सक्राइब, उनका दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए।